दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अपने चैनल पे। थोड़ा सा हट के मेरे ज़्यादातर वीडियोस ट्रेन के हवाले से होती हैं, ख़ासतौर पर कराची सड़कों रेलवे के हवाले से मेरी ज़्यादातर वीडियोस होती हैं, अपडेट्स के देता रहता हूँ मैं। आप सब दोस्तों को मालूम है कि बकरीद की आमद है और मंडियों में रश लग रहा है, मंडियाँ लगनी शुरू हो गई हैं कराची के सुपर हाईवे पे और मुख्तलिफ़ शहरों के आसपास जो है जानवर आना शुरू हो गए हैं, मंडी लग रही है। तो इस हवाले से आज एक छोटी सी मेरी वीडियो है आप लोगों के लिए। एक मैं आज एक फार्म में आया हूँ, गुजरात कैटल फार्म इसका नाम है। यहाँ पे माशाल्लाह जानवर बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे जानवर मौजूद हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ, देख रहा हूँ तो यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त जानवर आए हैं, खूबसूरत जानवर हैं यहाँ पे गुजरात कैटल फार्म। और यहाँ पे मैं आया हूँ, इनका जो है एक वेयर हाउस कह सकते हैं, वहाँ पे जानवर इकट्ठे होते हैं, उसके बाद ये मंडी में लेके जाते हैं और मंडी में इनका पूरा स्टॉल लगता है। वहाँ पर जाके मंडी में जाके जानवर सेल होते हैं, ज़्यादातर जानवर यहीं पर इनके बुक हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से जानवर आते रहते हैं लोगों को पता लगता रहता है, यहाँ पर जानवर आके लोगों के बुक हो जाते हैं। उसके बाद मंडी जो जानवर लोग नहीं लेके जाते हैं, जो बुक करा लेते हैं, वो मंडी ले जाए जाते हैं, वहाँ जाके बेचे जाते हैं। तो अभी थोड़ा विजिट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ जानवर माशाल्लाह बहुत अच्छे मौजूद हैं यहाँ पे। और गुजरात कैटल फार्म है, इनका मैं नंबर भी आपको दे दूँगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप जब चाहें इनसे रब्ता कर सकते हैं जानवर के हवाले से। और मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जानवर हैं, डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। मेरे साथ आइएगा, वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मज़ीद अपडेट इस तरह की मौजूद होती रहें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुजरात कैटल फार्म के ऑनर सलमान भाई मौजूद हैं, जो यहाँ पे हर साल जो है जानवर लाते हैं, हर साल इनका जो है मंडी में स्टॉल लगता है जानवरों का। आज इनसे बात करते हैं, इनकी तरफ आए हैं और इनसे बात करनी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। सलमान भाई बताइएगा माशाल्लाह, मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलमान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा माशाल्लाह आप हर साल जो है कैटल फार्म लगाते हैं आपका है, और हर साल माशाल्लाह अच्छे जानवर, आज भी मैंने देखा कि आपके पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छे जानवर मौजूद हैं, कुछ हमें तफसील बताएं। सबसे पहले आप कैटल फार्म आप लगाते हैं उसके बारे में, फिर अपने जानवर के बारे में बताएं। देखें, असल में ये सारा जो सिलसिला होता है ना, ये जैसा कि आपको पता है हम कराची वालों का शौक़ है, और शौक की वजह से ही ये सारे मामला अल्लाह ताला ने चलाए हुए हैं। तो इसमें यह है कि बेसिकली हमारा तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी माशाल्लाह से काम है, गुजरात डाइंग के नाम से जो डाइंग करते हैं हम, टेक्सटाइल की यार्न डाइंग होती है, तो वो बेसिकली हमारा मेन काम है। तो उसके शौक की वजह से फिर हम इस तरफ भी डाइवर्ट हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मीट की भी छोटी मोटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी काम हो रहा है माशाल्लाह से। तो कैटल फार्मिंग के हवाले से यह है कि कुर्बानी का माशाल्लाह से शौक था, तो उस हवाले से हम कर रहे हैं अभी, और लास्ट ईयर भी किया था माशाल्लाह, अल्लाह ने बरकत दी काम में, तो इस साल थोड़ा और अच्छे तरीके से हम आए हैं। और तकरीबन 100+ हमारे जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त, और यह है कि इसमें हर रेंज के हैं, तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 लाख की रेंज से हमारे पास माशाल्लाह से 5 लाख की रेंज तक का माशाल्लाह से जानवर है, और हर कैटेगरी को हमने इसमें कवर किया है। मिड रेंज भी है, लो रेंज भी है, थोड़ी सी अपर मिड क्लास को भी हमने टैकल किया है, तो ये सारे मामला हैं। तो बाकी आप ये सब देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आप कितने सालों से, आपका गुजरात कैटल फार्म मैंने सुना है काफ़ी सालों से आप लगा रहे हैं। जी जी, कितने साल हो गए? ये तकरीबन 3 साल हमको हो गए इस पर वर्किंग करते हुए, तो 3 साल अभी तो हमें हुए हैं, और इंशाल्लाह अब अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो मजीद जब तक अल्लाह ताला चाहेगा इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। मैंने देखा माशाल्लाह जानवर भी काफ़ी खूबसूरत हैं आपके पास, काफ़ी अच्छे जानवर आप लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, लोगों को पसंद भी आएंगे। असल में देखें, हमारी दो चीज़ों को हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एक तो क्वालिटी पे, क्वालिटी सबसे मेन चीज़ होती है, और उस पर हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि इनकी फीट पे, इनकी वैक्सीनेशन पे, ये सारे मामला, और इनकी दूसरा अगर देखा जाए तो नस्ल हमारे पास अच्छी होती है, तो उस हवाले से हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और दूसरा फिर हमको ये भी देखना है कि क्वालिटी के साथ साथ आपको
मार्केट जो डिमांड कर रही है उसकी रेंज को भी हमें मदद। देखा गया कि इस दफ़ा जो है मंडी में रेट्स बढ़ के आए हैं, तो क्या तब्दीली आई है पिछले साल और इस साल के मुकाबले में मंडी में? देखिए तकरीबन आप अगर गोश्त के हिसाब से लगाएं तो गोश्त में भी तकरीबन ये समझ लें एक साल 30-35% इंक्रीज़ हुआ है रेट्स में। और सिर्फ मीट से ही क्या, हर किसी हर चीज़ में आपको पता है कि रेट काफ़ी इजाफा हुआ है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल तकरीबन 30-35% का इजाफा हुआ है रेट। तो अब आप खुद इस हिसाब से लगा लें कि जो जानवर आप मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर 75,000 का परचेज करते थे, तो उसी कैटेगरी का सेम कैटेगरी का वो इस साल आपको 1.5-1.10 इस रेट में आपको, मतलब इस साल 30-35% इजाफा हुआ है जानवरों के रेटों में, फ़र्क नज़र आ रहा है। अक्सर लोग तकरीबन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 600-550 पर के जी के हिसाब से गोश्त था, और कुछ महीनों पहले भी 600 था, अब उसका रेट 800 रुपये के जी पे हो गए। तो ये तो आगे से ही रेट इंक्रीज़ हो रहा है और 30-35% का इजाफा हो। कि आपके पास माशाल्लाह बहुत हैवी जानवर भी मौजूद है, कुछ छोटी जानवर भी मौजूद हैं जो छोटे अगर कुछ हल्का जानवर लेना चाहे? छोटी कैटेगरी का माल भी हमारे पास है और वो इंशाल्लाह इसी वीक वो भी हाजिर हो जाएगा आपकी खिदमत में। और तकरीबन यही समझ लें कि 1,00,000 रुपये से 150 तक की रेंज वालों का भी माल अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, अभी मैं सामने देख रहा हूँ एक छोटा जानवर आ रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आता है मैं आपको दिखाता चलूँ। छोटा जानवर है ये, असल में गेनी नस्ल कहलाती है, ये थोड़ा छोटे साइज़ में है ये। अच्छा, गेनी नस्ल ये भी अच्छी है, गेनी नस्ल है ये आपको जो इसका मीट वेट है तकरीबन 4 मन, 4 मन का इसका मीट वेट है। और ये हमारे यहाँ पे अभी आपको मिलेगा 1,40,000 में, 1,40,000 में तो ये आपको पड़ेगा गेनी नस्ल का है। अच्छा, और सलामी बताइएगा कि इस दफ़ा मंडी में आपको कहाँ जगह मिली है और कहाँ पर आप टेंट लगा रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसी वीक में हम मंडी में जा रहे हैं, ब्लॉक 7 में नियाज़िया मस्जिद वाली जो जगह है वहाँ पर, और प्लॉट नंबर 19 होगा वहाँ पे मेरा, गुजरात कैटल्स के नाम से। तो आप सबसे गुजारिश है कि वहाँ पर आएँ, विज़िट करें वहाँ पर, और इंशाल्लाह क्या ही मुनासिब रेट में आपको सबको मिलेगा। और बिलाल भाई का रेफरेंस अगर कोई देंगे तो मैं हम अजीत जी। बिल्कुल, ये तो बहुत प्यारी बात है यार, मैं भी पूछना चाह रहा था आपसे कि हमारा रेफरेंस अगर कोई आएगा तो उसके साथ क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंसेशन होगी उनके लिए और स्पेशल उनको हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे इनका। और मज़ीद जो है मैं सलमान भाई का नंबर, गुजरात कैटल फार्म का नंबर भी आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उनसे भी डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, इनके फार्म पे जाके मंडी में भी जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं जानवर के हवाले से। 100+ जानवर इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, छोटी रेंज के भी हैं, मिड रेंज के भी हैं, बड़ी रेंज के भी हैं, बचियाएँ भी हैं। इंशाल्लाह हर कैटेगरी को हमने इस पर इस बार फोकस किया है उस पर, और आपको हर रेंज का इंशाल्लाह वहाँ पे जानवर अवेलेबल होगा। ठीक है, और दूसरा मुझे बताइएगा, मैं कुछ बकरे भी आपके पास मैं देख रहा हूँ कुछ मौजूद हैं यहाँ पे, उसके भी बारे में कुछ बताएं जी। ये तो असल में हमने ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं, ये बकरियाँ हैं तो ये ब्रीडिंग वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास बकरे भी अवेलेबल हैं, भाइयों को अगर चाहिए हो तो बकरे भी, अच्छी कैटेगरी के बकरे हैं। तकरीबन ये समझ लें कि 45,000 की रेंज से लेकर 55,000 के बकरा आपको अवेलेबल होगा, जिसका मीट वेट होगा अराउंड 35-40 के जी, ये आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सही बताइए कितने दांत का है ये? 4 दांत है। 4 दांत का, और वजन कितना है इसका होगा तकरीबन? इसका गोशी गोश 8 मन है। 8 मन का होगा तकरीबन। माशाल्लाह अच्छा जानवर है। जिंदा का वजन है 12 मन। जिंदा में 12 मन है और गोश की अगर बात करें तो 8 मन तक वजन होगा इसका। तो इसका फिर रेट क्या होंगे इसके? इसके फाइनली 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये फाइनल है जी।
माशाल्लाह अच्छा जानवर है। जी भाई कितने दांत का जानवर है ये बताइएगा? ये चार दांत है सर। चार दांत है। कितने मन का इसका अभी जिंदा वजन है और गोश्त कितना मन होगा अंदाजन? ये जिंदा 13 मन का है, गोश्त इसका 9 मन होगा। जिंदा 13 मन और गोश्त तकरीबन 9 मन होगा। ठीक है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। इसके रेट इसके प्राइस बता दीजिएगा। इसके फाइनली 4 लाख रुपये। फाइनल 4 लाख रुपये इस जानवर के। ये कितने दांत का है? ये दो दांत और इसकी क्या प्राइस है? इसके 3.5 लाख। दो दांत का ये जानवर है, 3.5 लाख रुपये बता रहे हैं। वजन कितना होगा इसका? वजन इसका 7 मन से ऊपर है। 7 मन से ऊपर गोश्त का खाली वजन, जिंदा का ज़्यादा होगा जी। सही है। इसके बारे में बताइएगा जानवर। थोड़ा घबरा रहा है आपसे? घबरा रहा है मेरे से? घबरा रहा है मेरे से, वैसे कैमरे से घबरा रहा है। अच्छा तो उसका वज़न कितना होगा? उसका वज़न है सर 7 मन। 7 मन गोश्त का वज़न होगा। ठीक है। और दो दांत का है? दो दांत का है जी। दो दांत का है। और इसका जो है आप मुझे बता दो कि इसके प्राइस आप क्या बता रहे हैं? इसके प्राइस 3 लाख रुपये बता रहे हैं प्राइस। मतलब ये प्राइस बताने के हैं, मज़ीद कुछ उसमें हो जाएगी जो ऐसे सौदा, जैसे सौदा बनता है वैसे बात हो जाती है। जो भी प्राइस बता रहे हैं उसमें जहाँ पे सौदा बैठता है वहाँ बात हो जाएगी। इसके बारे में भाई बताओ क्या इसके वज़न है, कितने दांत का है? दो दांत है। हाँ गोशी को 6 मन है। गोशी को 6 मन है तकरीबन जी। और क्या मांग रहे हैं इसके? जिंदा के इसके मांग रहे हैं 3 लाख। चार लाख रुपए इसके रेट बता रहे हैं। वज़न कितना होगा तकरीबन इसका? वज़न कितना है? 4 दांत का जानवर है और तकरीबन 7 मन इसमें गोश्त तकरीबन बताया जा रहा है अंदाजन। इस वक्त मैं गुजरात कैटल फार्म में हूँ और ये देखें कितना खूबसूरत इस वक्त इन दोनों के बारे में बताओ यार। कितने मन का है दोनों? ये 20 मन है दोनों। जिंदा जिंदा दोनों 20 मन है। दो दांत है, 4 दांत। ये चार पहले की वजह से आ गए। 2 दांत है। और क्या इसके मांग रहे हैं जोड़ी के? जोड़ी के 10 लाख। तो आज आपको मैं एक और शख्स से मिला रहा हूँ। माशाल्लाह इनका भी YouTube चैनल है और बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं और बहुत एंटरटेनिंग भी हैं। इनसे आज आपको इनसे मुलाकात कराते हैं। और अदनान भाई आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई मेरे साथ उस वक्त मौजूद हैं
और इनसे कुछ बात करते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है माशाल्लाह, एंटरटेनिंग भी है, इन्होंने क्लिप्स भी बनाई है, कॉमेडी क्लिप्स बनाते रहते हैं और मैं भी अक्सर इनकी क्लिप्स देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत एंटरटेनिंग होती हैं। तो आज इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। और बड़ी खुशी हुई आप गुजरात कैटल फार्म में आए और माशाल्लाह से इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। इंतहाई सस्ते मुनासिब कीमत में यहाँ जानवर हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं और मेरी दुआ है कि ये लोग जल्द से जल्द फ़ायदा। मुझे आप अपने चैनल के बारे में बताएं। माशाल्लाह अदनान भाई की मैंने अपने KCR की भी मैंने वीडियोस देखी हैं और बहुत ही ये कुछ इंटरटेनिंग करते हैं अपनी वीडियोस में, खासतौर पर ज़्यादातर। तो इनसे उस वीडियोस के बारे में पूछते हैं कि इनके क्या जहन में आता है और किस तरह से ये लेके चलते हैं उसको। क्योंकि असल में मुझे चाहिए कोई नई चीज़ करने का शौक़ है हमेशा ना, तो मैं चाहता हूँ कि लोग बोर हो रहे होते हैं घर में बैठ के, तो मैं चाहता हूँ मैं जब काम करूँ तो बिल्कुल रियल लगे, उसमें कोई बनावटी ना हो, बिल्कुल ना, मैं अपनी फैमिली के साथ भी फुल एंजॉय, जैसा मैं हूँ मैं वैसे ही किरदार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसा है एक आम आदमी जो है इतना ही कम पैसों में कैसे इन्जॉयमेंट कर सकता है, तो वो मैं दिखाता हूँ कि मैं किस तरह इन्जॉय करता हूँ अपने कम फैमिली के साथ। इनका ही कम कि मैंने एक दो KCR की वीडियोस देखी है, ट्रेन के पीछे भाग रहे होते हैं और बहुत एक अजीब सी लगता है कि ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, ट्रेन चल पड़ी है उसके पीछे दौड़ रहे हैं भाग। तो ये बस मैं यही इन्जॉय करता हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक नई चीज़ देखने को मिले। अब ट्रेन के पीछे कौन भागा, कोई भी नहीं भागता, लेकिन मैं एकदम रिस्क लेता हूँ, एकदम भागता हूँ और बच्चे भी मेरे खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। इसमें मेरी फैमिली का बहुत साथ है जो मैं ये काम कर लेता हूँ माशाल्लाह से। और अभी इंशाल्लाह ताला मेरा मीरपुर खास जाने का भी इरादा है, तो वहाँ भी देखें कुछ ना कोई नई चीज़ करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत अच्छा। तो अदनान भाई माशाल्लाह बिलोग से आप उनका चैनल ज़रूर देखिएगा। चैनल का नाम लाजिम बता दें, अदनान गौरी ब्लॉग, अदनान गौरी ब्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है और बहुत इंटरटेनिंग वीडियोज़ इनकी होती हैं, इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें ज़रूर। दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह जानवर बहुत खूबसूरत हैं और बस तो कुछ जानवर भी हैं और कुछ तगड़े जानवर भी हैं जिनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत शरीफ जानवर मिला है तो उसके साथ हम लोग खड़े हैं और थोड़ी सी गपशप तो नहीं कर सकते, खैर इसको दिखा सकते हैं, कैमरे में साथ ला सकते हैं उसको। दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलते हैं आने वाले वीडियोज़। और आज की जो मेरी वीडियो है ख़ास तौर पे एक थोड़ी हटके थी, मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादातर लोग मुझे कह रहे थे यार ऐसे पहले की वीडियो बनाते हैं और कोई वीडियोज़ बनाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज लाया जाए, थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए। और आज मैं आया एक कैटल फार्म में जहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जानवर मौजूद हैं और आपको जानवर भी मैंने दिखाए, यहाँ की डिटेल्स भी दिखाई, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।